दोस्तों एक हैरत अंगेज खबर आई है सुनने में कि मोदी जी ने 500 और 1000 की नोट आज रात मतलब कि 8 नवंबर 2016 की आधी रात को 500 और 1000 की नोट बंद कर दी है। आज के वीडियो में उसके बारे में जानते हैं, देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मोदी जी ने 500 और 1000 की नोट बदल दी है, आप क्या करेंगे अपने पैसे बचाने के लिए और कब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहती है, तो देखते रहिए। मोदी जी ने आज बताया बयान में अपने, करीब 8 बजे उन्होंने बयान दिया कि 500 और 1000 की सारी नोटें उसी रात को 12 बजे से बंद कर दी जाएंगी और उसके बदले बाजार में 2000 की नई नोटें आएंगी और 500 की नई नोटें आएंगी जो कि नई तरह से दिखती हैं। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जितने ब्लैक मनी थे जो कि अप्रॉक्स 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ हमारे इंडिया में छुपे थे, वो सब बाहर आ जाएंगे, जितना कि मोदी जी ने ट्यून किया है ये सब बाहर आ जाएंगे इस मेथड से। सारे लोग जिनका ब्लैक मनी फंसा है वो उन सब की तो छुट्टी हो गई। अब जो हाइलाइट्स है कि 11 नवंबर तक आप अपने नॉर्मल करेंसी को हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल के दिन मतलब कि 10 नवंबर को बैंक और सारे एटीएम बंद रहेंगे। अगर आप ये वीडियो आज रात मतलब 8 नवंबर को देख रहे हैं तो अभी जाके आप एटीएम से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर नोट बदल सकते हैं। रेलवे, सरकारी बसों और हवाई जहाज की टिकट आपको नॉर्मल, ये जो नॉर्मल करेंसी चल रही है इससे आपको 11 नवंबर तक मिल जाएंगे जो कि अभी 3 दिन बचे हैं उसमें। 10 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच आप 4000 रुपए तक बदल सकते हैं 500 और 1000 की नोट जो आपके पास रखी है। मतलब कि जिसके पास ब्लैक मनी है उनके पास तो होगी भाई 100 करोड़ में, 1 करोड़ में, 50 करोड़ में, तो उन लोग 4000 कहाँ, 4000 क्या मायने रखता है, हम लोग बदल ही नहीं पाएंगे। हम लोग जैसे आप लोग नागरिक हैं, ये लोग अपना बस सेविंग्स बदलेंगे तो इनके लिए ठीक है, पर वो जो ब्लैक मनी छुपाए हैं वो तो पकड़े जाएंगे अगर बदलने जाएंगे इतना ज़्यादा। 24 नवंबर के बाद ये राशि बढ़ा दी जाएगी और जैसे कि अब एक क्लास के बिजनेसमैन है इन लोग को तो राहत मिली जाएगी, 4000 से बढ़ जाएगा, पर फिर भी जो ब्लैक मनी जमा करते हैं, जो ब्लैक मनी बदलना चाहेंगे वो सब फंस जाएंगे इसमें। 10 नवंबर के बाद से आप दिल्ली का केवल 2000 रुपये निकाल सकते हैं अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। और सुनिए कि 11 नवंबर के बाद से आप चेक या डीडी या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी इंडिया में। एक ये टाइप की इमरजेंसी लग गई है, जैसे इंडिया में पूरा हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ही रुक जाएगा। मोदी जी ने तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, मैं तो काफ़ी प्रभावित हुआ, बहुत सारे इंडियंस प्रभावित होंगे इस कदम से। पर जी हाँ, परेशानी बहुत होने वाली है हम लोग को, पर फिर भी इससे हमारे देश के सारे ब्लैक मनी बाहर आ जाएंगे जो कि पूरी इसे है कि सारे काले धन जो छुपा के रखे गए हैं वो सब बाहर आ जाएंगे इससे। और बाहर नहीं आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे, वो सब बदले नहीं जाएंगे तो वो बस कागज के टुकड़ों के समान रह जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो सारे ब्लैक मनी जो रखे हैं उन सबकी तो छुट्टी हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हम लोग को उठानी पड़ेगी कुछ एक दो महीने के लिए, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटस और बढ़ जाएगा, मतलब कि आईफोन सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बाकी डाकघर या बैंक में या फिर RBI के ऑफिस में अपने जाके सारे नोट बदल सकते हैं 100 और 1000 में, लेकिन उसकी लिमिट तय कर दी गई है ताकि सारे ब्लैक मनी वाले फंस जाएँ। 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आप अपने सारे जो 500 या 1000 के नोट में पैसे हैं आपके पास वो सब बदल सकते हैं, पर इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल पैनिक ना होइए। इसके बीच में आप जाके अपने नोट डाकघर, बैंक या फिर RBI ऑफिस में आके बदल सकते हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसे हमारे भारत सरकार की पूरी फाइनेंशियल छवि बदल जाएंगी। हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो भारत सरकार का सहयोग करे, थोड़ी सी परेशानी उठाए और मजे ले। देखने के लिए धन्यवाद, अभी आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आप अपडेटेड रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, नहीं तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे उनके। बाय बाय।